पद्मश्री अवार्ड मिलने पर ट्रोल हुई कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर लोगों ने कही ऐसी बातें। पंगा गर्ल ने बॉलीवुड पर साधा निशाना। क्या है ये खबर, आइए जानते हैं। बीते दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद एक्ट्रेस के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद कंगना अपने फैंस के साथ रूबरू हुई। धाकड़ गर्ल ने इस खुशी के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कंगना ने अपने सभी फैंस का धन्यवाद किया और अवार्ड मिलने की खुशी जाहिर की। लेकिन आपको बता दें कि कंगना बस यही नहीं रुकी, एक्ट्रेस ने इस वीडियो में बॉलीवुड के कुछ लोगों पर भी तंज कसा। वेल, इस सब के बाद अब कंगना को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल इस शेयर किए गए वीडियो पर कुछ लोग कंगना की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। डालिए उन सभी कमेंट्स पर एक नजर। अब एक नजर डालिए कंगना रनौत के वीडियो पर और आपकी क्या राय है इस पर, आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज्यादा सम्मान, प्यार, अक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं, लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से। और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली, तो मैंने उस सफलता का मजा ना लेते हुए जिन चीजों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और ना जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं, और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।